चुड़ैल गांव में आकर एक पानी का कुआं बनाकर जाती है और उस कुएं के पास एक जादुई भाला छोड़ जाती है। सुबह एक औरत उस कुएं के पास आती है। जैसे ही वो औरत पानी लेने कुएं के पास जाती है, वो भाला जिंदा होकर उस औरत को उस कुएं में धकेल देता है। उस नए कुएं को देख उस औरत का पति उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है। पास आते ही वो भाला उसे भी कुएं के अंदर धकेल देता है। गाँव की औरतें और मर्द उस कुएं के शिकार हो जाते हैं। कुछ जानवर भी उस कुएं के शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक दिन बिरजू देखता है कि वो भाला एक आदमी को कुएं में धकेल रहा है। वो कुछ गांव वालों को बुलाकर उन्हें दिखाता है। वो एक बकरी को उस कुएं के पास छोड़ता है। जैसे ही वो बकरी उस कुएं के पास आती है, वो भाला जिंदा हो जाता है और उस बकरी को उठाकर उस कुएं में फेंक देता है। गांव वाले समझ जाते हैं ये इस जादुई भाले की वजह से हो रहा है। लोग उस भाले पर जलती हुई लकड़ियां फेंकते हैं। उस भाले में आग लगती है और वो तड़पने लगता है। चुड़ैल का भाला जलते ही कुएं के अंदर से चुड़ैल बाहर आते और लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। एक आदमी को वो पकड़ के नीचे लेकर जाती है। चुड़ैल बूढ़ी थी, उसे जीने के लिए हर सातवें दिन एक आदमी को मारना पड़ता। आदमी को मारकर उसकी शक्ति से वो जवान रहती थी। लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और उस कुएं का राज बताया। तांत्रिक चुड़ैल के बाहर आने की राह देखने लगा। ठीक सातवें दिन चुड़ैल कुएं से बाहर आई। तांत्रिक बूढ़ी चुड़ैल को देख समझ गया कि ये इंसानों को मारकर जीती है। जैसे ही चुड़ैल उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, तांत्रिक इधर उधर भागने लगा। जब चुड़ैल थक गई, तब उसने अपनी शक्ति से उस पर आग के गोले बरसाने शुरू किए। उन गोलों के वारों से बचने के लिए चुड़ैल कुएं में जाने लगी, लेकिन तांत्रिक ने उसके भाले को जीवित किया और उसी के भाले को वश में करके चुड़ैल को कुएं से बाहर निकाला। फिर भाला चुड़ैल को जोर जोर से कुएं पर पटकने लगा। ऐसे ही दो तीन बार पटकने से ही चुड़ैल की मौत हो गई।